संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया में शुक्रवार को मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे पर चर्चा की। 7 सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, जिन्होंने प्योंगयांग पर कोरोनावायरस महामारी का उपयोग करने का आरोप लगाया अपने ही लोगों के मानवाधिकारों पर और दरार करने के लिए। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और डोमिनिकन गणराज्य ने राजनयिकों के रूस और चीन के स्थिति पर सार्वजनिक ब्रीफिंग पर आपत्ति जताए जाने के बाद एक बंद दरवाजे की आभासी बैठक में इस मुद्दे को उठाया। डीपीआरके के मानवाधिकारों का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरा है। डीपीआरके सरकार अपने अवैध बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के लिए अपने लोगों से दूर संसाधनों को बदल देती है, 7 देशों ने एक बयान में कहा, जर्मन यूएन राजदूत क्रिस्टोफ ह्यूजेन ने पढ़ा। उत्तर कोरिया का औपचारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया डीपीआरके है। न्यूयॉर्क में उत्तर कोरिया के यूएन मिशन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। उत्तर कोरिया ने बार बार मानवाधिकारों के हनन के आरोपों को खारिज किया है और सख्त मानवीय स्थिति के लिए प्रतिबंधों को दोषी ठहराया है। प्योंगयांग 2006 के बाद से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रमों के तहत यूएन प्रतिबंधों के तहत रहा है। सरकार ने अपने हथियारों के कार्यक्रमों को अपने लोगों की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग करने के लिए प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जो उत्तर कोरिया की आबादी पर महामारी के प्रभावों को अनिवार्य रूप से खराब कर रहा है, ह्यूजेन ने कहा। अमेरिका ने उत्तर कोरिया द्वारा प्योंगयांग और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया द्वारा पलायन के खतरे पर एक बैठक बुलाई। देखने के लिए धन्यवाद।